हाय अच्छा पेंटिकल्स इसका हो और पेंटिकल्स ना निकले बस ये तो देखिए स्कॉर्पियो भी था ना मैं स्कॉर्पियो तो नहीं हूँ ये पॉजिटिव भी है प्लान्स करें और अच्छी तरफ डायरेक्शन में जाएं कोई बुराई नहीं है चेंजेस आ रही होती हैं चेंज का महीना है आपकी सैलरी में चेंज आ सकती है आपकी लोकेशन में चेंज आ सकती है अस्सलाम वालेकुम मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल एक नई वीडियो के साथ एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजी और साइकिक रीडर टैरो कार्ड रीडर हम लेकर आपके सामने आए हैं मैडम लाला रुख हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मुताज तो नहीं है सबसे पहले वो नाज़रीन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो एस्ट्रोलॉजिकल और आपके हवाले से आपको मिले वो आप तक पहुंच जाए बहुत से लोग इतराज़ करते हैं मेरे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले वो वजह ही होती है सवाल मैं सबके जवाब देता हूं लेकिन वहां पर आके प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता या बेल आइकन नहीं दबाया होता इसलिए आप तक वीडियो समटाइम नहीं पहुंचती तो सब्सक्राइब कर लें वो व्यूअर्स और नाज़रीन आज का जो टॉपिक है अप्रैल के हवाले से क्योंकि अप्रैल में अब हम एंटर होने जा रहे हैं क्योंकि सूरज ग्रहण भी है अप्रैल में लास्ट वीडियो हमने मैडम लाला रुख से वो की है इस हवाले से मैडम लाला रुख से जानेंगे कि अप्रैल का महीना कौन से ब्रूज के लिए अच्छा है और कौन से ब्रूज के लिए ऐसा है कि जिन्होंने एहतियात करनी है किसके माली मामला अच्छे हो रहे हैं किसने ट्रैवलिंग करनी है किसके एजुकेशन के मामला ठीक हो रहे हैं किसके जो दर्द के मामला थे जिस्म के वो ठीक होने जा रहे हैं और कौन दर्द में फेस कर सकता है अल्लाह ताला सबको सेहत दे अल्लाह ताला सबके मामला अच्छे करे सलाम दुआ करते हैं टॉपिक का आगाज करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम या खनाब दो या कनस्टेन दर्द के लिए पेनाडोल की गोली खाइए कैसी है मैडम आपकी बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा आज हम करेंगे अल्फाबेट से ठीक है अल्फाबेट से अब हमने दो घर ऐसे बताने हैं कैप्रिकॉर्नियन और कैंसर जो दोनों सी से शुरू होते हैं उनके लिए देखते हैं कि ये दोनों के लिए होगा ठीक है अच्छा अच्छा कार्ड हम एक निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि ये अप्रैल जो है उनके लिए कैसा है अच्छा मैडम इसमें हमने लास्ट वीडियो जो की थी इसमें सूरज ग्रहण भी आ रहा है 8 अप्रैल को हमने नाज़रीन लास्ट वीडियो की है सूरज और चांद ग्रहण के हवाले से वो जरूर देखिएगा उसमें बड़ा मैडम ने अच्छा नॉलेज दिया और ज़ोडिक भी बताए हैं तो मैडम इस हवाले से जरूर बताएं कि क्या मामला होने जा रहे हैं जो अगर हम ज़ोडिक से रिलेटेड देखें आपने बताया कैंसर और कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न का इन दोनों का अच्छा टाइम है अप्रैल में निकाल देते हैं कार्ड्स देखते हैं ठीक है अल्फाबेटिक इनके जो नेम्स हैं एच वाले हे वाले लोग होते हैं ज्यादातर कैंसेरियन में हसन है साम है हसन है राइट वो चीजें अपनी जगह होती हैं हम इस वक्त अल्फाबेट से देख रहे हैं 8 of swords अच्छा स्वॉर्ड्स जो होती है ना तलवारें वो आपकी ताकत भी होती हैं लेकिन बार दफा आपके लिए रुकावट भी बनती हैं सो कैप्रिकॉर्नियंस एंड कैंसेरियंस इन दोनों के लिए अप्रैल जो है ना थोड़ा सा एहतियात का महीना है अच्छा ये देखिए लड़की इसमें तस्वीर बनी हुई है कि वो देख रही है सोच रही है और वो 8 तलवारें उसके गिर्द हैं भले आप ये समझें कि ये उसका तहफ्फुज़ है ठीक है ठीक है और इसको वो अपनी ताकत बना सकती है इसी तरह जिंदगी में आपके साथ होता है फलक हम लोगों को ना साइंस पढ़ने नहीं आते हमारे इर्द-गिर्द साइंस होते हैं हमें अल्लाह साइंस में बातें बताता है हो सकता है इन लोगों के घर में ऐसे अफराद हो जो इनकी हेल्प करते हो लेकिन ये उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इनके दफ्तर में ऐसे कोलीग्स हैं जो इनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं करते कुछ लोग होते हैं और कैप्रिकॉर्नियंस तो खैर सॉफ्ट होते हैं कैंसेरियन जरा स्ट्रिक्ट होते हैं जो दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते मगर यहाँ जो इनके लिए इशारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबकी राय लें सबके साथ मिलकर चलें और सबको अपनी ताकत बनाएं नेगेटिविटी ना करें पॉजिटिव तरीके से चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल का महीना ताकत के हिसाब से बढ़ने के हिसाब से मैडम ट्रैवलिंग के लिहाज से कैसा है सबसे पहले कैप्रिकॉर्न कैंसर का अगर ट्रैवलिंग हम देखें अच्छा बलक पता है क्या आपके और मेरे ना एक हमारे पाकिस्तान में टिपिकली जब हम ट्रैवलिंग कहते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि किसी दूसरे मुल्क पढ़ने के लिए जाना या नौकरी के लिए जाना इसको ट्रैवलिंग नहीं कहते वैसे ट्रैवलिंग के मामला जो होते हैं आम रूटीन में भी लोग आम तौर पर तो करते ही हैं हाँ हम मैं जो ट्रैवलिंग समझती हूँ वो समझती हूँ एंजॉयमेंट के लिए अच्छा घूमने के लिए ट्रैवलिंग उसको कहते हैं लेकिन हम दोनों के लिए पूछेंगे हाँ के काम के लिए भी और घूमने फिरने के लिए तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है 2-4% ही है दुनिया में पाकिस्तान में लोग जो जाते हैं बाकी तो 40-45% जो भी ट्रैवल करता है वो जॉब के सिलसिले में करता है एजुकेशन के सिलसिले में करता है या रिश्तेदारों से हाँ मिलने के लिए जरूर जाते हैं हम फिर लिमिटेड होते हैं अपनी ट्रैवल भी में ही जहाँ हमारे रिश्तेदार होते हैं ठीक है ना तो ट्रैवलिंग तो अच्छा टाइम है वैसे भी आपको पता है अप्रैल का महीना बहुत खूबसूरत महीना है पूरी दुनिया में भी बहार आ जाती है वेदर वाइज भी कम्फर्टेबल होता है ट्रैवलिंग के लिए नहीं तो अभी तो फरवरी तक तो बर्फें पड़ी हुई थी मार्च में थोड़े थोड़े पसीने शुरू हुए लेकिन अब तो ये है कि ठंड
तो अभी भी रात को लगती है। अच्छा मैडम, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टडी के हवाले से, जो कैप्रिकॉन कैंसर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ है या पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल का टाइम कैसा है, अप्रैल का महीना बच्चों के लिए जिन्होंने? देखो एग्जाम्स तो हो गए, अब रिजल्ट्स का नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि पेपर ऑफिस के भी दे रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ही हैं। मैट, कैट, आईएलटीएस, बहुत चीजें ऑफिसेज के भी होते हैं ना, जो ग्रेड बढ़ने के लिए होते हैं, जैसे हमारे फोर्सेस में कई लोग हैं जो टेस्ट इनके हो रहे होते हैं, कई उन्हें टेस्ट देने होते हैं, बाहर जाना होता है टेस्ट के लिए या इधर, मतलब अक्सर कमेंट्स करते हैं, मैं वहां से आप लोगों के नाजरी चीजें देख रहा होता हूँ, उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि ये जो मार्च के बाद जो अप्रैल का महीना आता है ये होता ही रिजल्ट्स का महीना है। इसमें चूंकि आपके जो भी चीज बोई होती है उसका रिजल्ट निकल रहा होता है, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर पीपल जो उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं या तैयारी कर रहे हैं। बट फलक देखो, सितारे अपनी जगह, न्यूमरोलॉजी अपनी जगह, सब चीज अपनी जगह, अपनी एफर्ट और अपनी मेहनत भी जरूरी होती है। बिल्कुल, वो जरूरी है। आप ये कहेंगे कि मेरे सितारे में मैम ने कह दिया जी आपके लिए कामयाबी है और मैं पढ़ू नहीं पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन अच्छा होगा इनके लिए, बहुत अच्छा। कुछ लोग जो बीमार है कैप्रिकॉन कैंसर, उनके लिए रिकवरी देख रही है? बिल्कुल देख रही हूँ, लेकिन 80% लोगों में देख रही हूँ। आपको पता है हमेशा इसमें परसेंटेजेस होते हैं, हमेशा इसमें ये होता है, कहीं कुछ ऐसे भी होते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, ऐसी टर्मिनल बीमारियां भी होती हैं, अल्लाह उनके लिए भी आसान ना करे, कुछ के रिसेशन भी हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारियों का भी अब रिसेशन हो रहा है, लोग उसको पकड़ लेते हैं अर्ली स्टेजेस में, इग्नोर ना करें। बहुत से घरों में बच्चे बीमार होते हैं जो माँ बाप से गिला करते रहते हैं, लेकिन हम परसेंटेज पे ले लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्या। मैं 80% पॉजिटिव देख रही हूँ, 20% नेगेटिव। कैप्रिकॉन हेल्थ के लिहाज से आप लोग बेहतरीन है, और इंशाल्लाह जो लोग बीमार थे उनको अब सेहत मिलेगी इंशाल्लाह। और माली मामलात कैप्रिकॉन और कैंसर के? देखो जब अच्छा वक्त आता है ना, ऊपर ऊपर राइज करने का, तो फिर हर तरफ से आपका अच्छा वक्त, मतलब पैसे के कर्जों में जो लोग थे वो भी रिलीफ मिलेगा, निकल आएंगे, लेकिन वही होता है कि आपको अपना कोई ऐसा जरिया बनाना होता है जिससे कि आप ये पॉजिटिव खुद देखेंगे कहां से मैं निकाल सकता हूं ये कर्जा। मतलब गलती ना कीजिएगा, टाइम अच्छा है, कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें कैंसर और कैप्रिकॉन वाले, और कर्जा मत लें, कर्जा मत लें, कर्जा ना लें। अच्छा उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आते हैं लियो और लिब्रा। लियो लिब्रा, ठीक है, मैं लिब्रा हूँ, चलो मैं सातालिया में जाना शुरू कर दूं, है ना, सितंबर। देखते हैं लियो और लिब्रा, आप ऐसे करें, इन दोनों का एक कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड निकालेंगे, चलिए लियो लिब्रा का एक कार्ड मैंने निकाला। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा लियो लिब्रा? तलवारें क्यों निकल रही है? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो एट ऑफ स्वॉर्ड्स निकला, ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। लड़की क्राउच कर रही है, तलवारें उठा रही है और साथ अपने लेके भी जा रही है, लेकिन क्राउचिंग जो होता है ना उसका मतलब होता है कि थोड़ा सा देखना भालना, ठीक है। ये जब आप ये झुक के उठा रही है तलवार, ये और पीछे इसके देखें सूरज है, सो ये सूरज ग्रहण का महीना है अप्रैल, और सात नंबर निकला है जबकि आठ को है, तो सात की रात को लियो और लिब्रास बी वेरी केयरफुल, एहतियात बरतें, और लेकिन ये उनके लिए पॉजिटिव भी है, प्लान्स करें और अच्छी तरफ डायरेक्शन में जाएं, कोई बुराई नहीं है लेकिन एहतियात है, एहतियात करें। अच्छा इनका अगर मैडम सूरज ग्रहण है तो इनको बेनिफिट भी देगा, क्योंकि अगर अप्रैल है, अप्रैल का महीना है, तो लियो के लिए क्या देखती हैं, क्योंकि लियो तो खुद सूरज है, सूरज है, सूरज का साइन है, आग का साइन है, गर्माइश है, उसके लिए अप्रैल का महीना, ये सूरज ग्रहण उसके लिए फायदा में ही फायदा है उससे, लियो से। और लिब्रा को भी, लिब्रा का साइन हवा वाला है, तो हाँ, तो सूरज के साथ हवा भी जरूरी है ना, जरूरी है, क्या बात है, बड़ी चीज। अच्छा मैडम, जो अच्छा बच्चे इसमें स्टूडेंट है लिब्रा और लियो में जिन्होंने टेस्ट इम्तिहान देने, उनके लिए क्या देखती है, एहतियात है कि अच्छा टाइम है? उनके लिए मैं ये देख रही हूँ कि चूंकि ये दोनों स्टार्स जो हैं काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्स हैं, लियो वाले भी बहुत मेहनत करते हैं और लिब्रंस भी जो है ना अपने को बेहतरीन प्रूव करने के लिए हमेशा इनकी कोशिश होती है, वैसे तो दोनों ईगोस्टिकल भी बहुत हैं, समझते हैं हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, लेकिन उसके साथ ना ईगो के अंदर थोड़ा सा आप मार खा सकते हैं, तो बी केयरफुल, बी केयरफुल और मेहनत करें और अपनी पूरी एफर्ट करें, बाकी देखें अल्लाह की। अच्छा जो शॉपकीपर हमें देख रहे हैं, जो मतलब के सर्विसेज देते हैं लोग लियो लिब्रा से, उनके लिए क्या देख रही है अप्रैल का महीना? देखिए ये जरा सा चेंज का महीना होता है, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन सबके लिए जरा सा टफ होता है ये महीना, क्योंकि बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं, चेंज का महीना है, आपकी सैलरी में चेंज आ सकती है, आपकी लोकेशन में चेंज आ सकती है, आपकी जो प्रोडक्ट्स रखे हैं उसमें चेंज आ सकती है, तो आप जो है ना ये चेंज का महीना है आपके लिए, एज फार एज सर्विसेज वाले लोग हैं, बी वेरी ओपन माइंडेड और उसको एज अ चैलेंज लेके उसको एक्सेप्ट करें और बेहतरी का रास्ता ढूंढें। अच्छा और हाउसवाइफ लिब्रा लियो, उनके लिए कैसा है?
अच्छे अच्छे खाने बनाए। तो तुम हाउसवाइफ कहते हो ना, तो मुझे किचन में एक औरत नजर आती है। खाना तो जरूरी है, हमारी वो फीमेल्स हैं, बहनें हैं, वो देख रही होती हैं। और भी काम करती हैं हाउसवाइफ्स, उनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बड़ा करने की। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है ना, हम जिसको हाउसवाइफ कहते हैं, और हम कहते हैं कि यार ये तो करती ही नहीं है, सबसे ज्यादा काम हाउसवाइफ करती है। ठीक है, उसको 24/7 अपनी सर्विसेज देनी है, उसको कोई एनुअल लीव नहीं है, उसको कोई सिक लीव नहीं है, उसकी कोई इंक्रीमेंट नहीं है। उस बेचारी के साथ जितना जुल्म और ज्यादती माशरा कर रहा है, कोई पर्सनल ऐसा भी नहीं है। कईयों ने मैडम उसको चांद और सितारों पे भी बिठा के रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। कई मर्द ऐसे हैं जो बड़ा ख्याल भी रखते हैं बीवियों का। नहीं नहीं, मैं बीवी और मियां की बात नहीं करी, मैं उसकी जिम्मेदारियों की बात करी। हां ये तो है, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी है। देखिए, एक आदमी था, वो चोर था, ठीक है ना। तो जब उसको फांसी करने पड़े, तो चोरों को भी फांसी करते थे, करने लगे ना, तो उसने कहा मैंने अपनी माँ से कुछ कहना है। तो जब उसकी माँ पास आई ना, तो उसके हाथ तो बंधे हुए थे, उसकी माँ ने कहा ना, उसने कान काट लिया। उसने कहा अम्मी, जिस दिन मैं पहले दिन चोरी कर लाया था ना, अगर आप मुझे मना करती तो आज मैं चोर ना था। वही तरबियत की बात। अब मुझे बताएं, आज मुझे दो लड़कियों के फोन आए या मैसेजेस आए कि जी हम ना ये जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, हम उनके लिए ट्राई करना चाहते हैं और हमारा हो नहीं रहा, या गवर्नमेंट की जॉब चाह रहे हैं। अब हम सबको पता है कि सीएसएस कितना मुश्किल है, कितने पास होते हैं, 100 में से 25 लोगों को वो लेते हैं हर साल, 40% पास करते हैं। फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हम सबको पता है कि सबके लिए रिश्वत के बगैर कोई जॉब नहीं मिलती। तो हम जिस काम की इब्तदाई गलत तरीके से करते हैं, उसके आगे जाके क्या होगा? ये जो हराम काम से काम स्टार्ट होगा, exactly. तो वो आके आपके बच्चों के, आपके जो इवन के आपको जो पेंशन मिलनी है, वो भी हराम से ही रिलेटेड होगी। अब अशफाक अहमद ने या किसी ऐसे बड़ी हस्ती ने, बड़े उसने कहा था कि अगर बीवियां अपने शोहरों से ऐसी डिमांड्स ना करें कि उनको हराम कमाना पड़े, तो उसने सारा ऑनर्स बीवी पे ला दिया। देखो, बीवी क्या कहेगी? बीवी कौन सी बीवी है जो कहती है मुझे गुच्ची का चाहिए, मुझे प्राडा के जूते चाहिए? नहीं ना। अगर आप उसको अच्छी तरह से समझाए, उसको पार्टनर समझे, उसके साथ बैठ के अपना डिस्कस करें माली हालात, जी ये मेरी इनकम है, ये मेरा खर्चा है, मैंने अपने बच्चों के साथ किया और माशाल्लाह दोनों को पैसे की कदर आ गई, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये मेरे एक्सपेंस, दोनों को बराबरी का मतलब मिलके करना चाहिए। देखो मिलके सब पार्टनर कहने की बातें हैं, करता कोई नहीं है। मसला यहाँ पर ये है ना, चले यहाँ पे अगर आपकी बात में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक ईगो वाली, पता नहीं क्यों मियाँ बीवी के रिश्तों में भी ईगो आजकल बहुत ज्यादा आ गई है। अच्छा, ये लियो लिब्रा की बात थी, अब हम चलते हैं, क्योंकि हम डबल डबल ले रहे हैं, तो स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस आ गया, तो हमारा भी आया, सेजिटेरियस भी आया, और हाय अच्छा पेंटिकल्स इसका हो और पेंटिकल्स ना निकले, बस जी ये तो देखिए, स्कॉर्पियो भी था ना, मैं स्कॉर्पियो तो नहीं हूँ, 8, 7 और 9, तो उसमें किसी में पेंटिकल, अच्छा 8, 7 और 9 ये डिजिट निकले, डिजिट वैसे अगर इनको सीधा करें तो 7, 8, 9, 8, 9 वाह, तो वैसे 8, 7, 6 भी अच्छा है, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपने देखा इसके गिर्द फूल है, प्यारा सा सुकून से खड़ी है। इन दोनों स्टार्स के लिए भी ये अप्रैल का महीना अच्छा महीना है, पॉजिटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन जब आप जमीन में कुछ बोते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, तो आप उसके लिए ये भी तैयार रहें कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम भी हो सके जिसमें आपको नुकसान हो, नुकसान और फायदा दोनों होते हैं। देखिए आपको मैं बताऊँ एक बात, हलाल उस काम को कहा गया है जिसमें कि आपको नुकसान का भी चांस हो, चांस हो। अब बहुत से लोग हैं बेचारे लगाते हैं, कोई कभी ऐसी तबाही आ जाती है, बारिश आ जाती है, कीड़ा लग जाता है, ठीक है ना, दुकानदार है वो एक फ्लड में आके दुकान गिर जाती है, गिर जाती है, लोग कपड़े बनवाते हैं, किसकी बहुत अच्छी सेल हो जाती है, अब सीजन आ रहा है ईद का, किसी का फैक्ट्री से माल दुकानों तक पहुंचता ही नहीं है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर गुड एंड बैड बोथ, मगर ये आप दोनों के लिए भी अच्छा महीना है अप्रैल का, क्या बात है, बेहतरी की तरफ, बच्चों के लिए अच्छा है, सही चीज़ स्कॉर्पियो, बच्चों के लिए अच्छा, बच्चों के लिए कैसा है? मैं बच्चा ही हूँ ना, तो मैं इसलिए अपना पूछ रहा था कि बच्चों के लिए, अच्छा वो वाले बच्चे, हाँ हाँ बच्चों के लिए ठीक है, वो जो 6, 7, 8, 10, 12 तक बच्चे हैं ना, उनके लिए उनके लिए ठीक है, इतने का ही, जो 26, 27, 28 वाले हैं उनको ज़रा ध्यान रखनी चाहिए, 30 साल का हो चुका हूँ माशाल्लाह, 31 लगता नहीं है, पता है 22 साल का मुन्ना लगता है, अल्लाह रहम करे, मेरी नजर कमजोर है इसलिए, कह
ठीक है। अच्छा मैडम, इसमें अब अगर हम सैटेरियस स्कॉर्पियो की बात करें, कर्जों में क्या देखती हैं कि मामला इनके कैसे रहेंगे जिन्होंने कर्ज लिए हुए और वो मुश्किलात में? देखिए सिर्फ कर्ज नहीं होता, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी की होती हैं, फंसे होते हैं, लोगों ने बैंकों से कर्जे लेके घर लिया होता है, गाड़ी ली होती है। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसने गाड़ी ली हुई थी, उसने बड़ी गाड़ी ली हुई थी, उसको 35,000 उसका महीने का किस्त भरनी पड़ी थी, उससे नहीं हो रही थी, उसके जो काम था वो नहीं हो रहा था, उसने गाड़ी वापस कर दी बैंक और छोटी ले ली। तो थोड़ी सी अक्ल भी यूज करें, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्जा लेना, क्योंकि आपको एक 100% पता होना चाहिए कि यहाँ से पैसा पक्का आ रहा है। कोई काम दुनिया में 100% तो है ही नहीं, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर बना लिए, बच्चों के लिए घर छोड़ गए मगर कर्जे छोड़ गए, फिर बच्चों को आगे भुगतना पड़ता है। इनके लिए ठीक है ये मामला, कर्जे ना लें, अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, ऐसी चीजों में ना करें जो फिक्स है, जिससे कि आपको पता है हाँ घर लेके किराए पे चढ़ा दें, हलाल में आ गया, हलाल में आ गया, ठीक है ना। आप किसी स्कूल में पार्टनरशिप कर लें, किसी बंदे को पैसे दे दें जो स्कूल चला रहा है, करियाने की दुकान चला रहा है। पार्टनरशिप के भी मैं सख्त खिलाफ हूँ, खुद बैठ जाएं, छोटी छोटा काम कर लें लेकिन खुद कर लें, ताकि और कर्जा ना लें, अपनी जितनी चादर है उतनी पांव फैलाएं, ठीक है। अच्छा मैडम, जो लोग गाड़ी बाइक इस तरह की चीजें लेना चाहते हैं अप्रैल में, उनके लिए कैसा है? अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा ना, मतलब ले सकते हैं ठीक है। इम्तिहानात के लिए, बच्चों के लिए भी ठीक नजर आ रहा है, यानी पॉजिटिव ओवरऑल जो जो आपके काम है, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लियो और लिब्रा, ठीक हो गया। अच्छा मैडम ये बताएं कि जो लोग जिनका नहीं बताया आपने, तो उनका उनके लिए क्या देखती है? देखिए फलक हरे के लिए ये एक जनरल रीडिंग होती है, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने स्टार के हवाले से, तो मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे कॉल करके अपने बारे में पूछ सकते हैं कि हमारा कैसा रहेगा, अपने हस्बैंड की का स्टार बता सकते हैं, दोनों का आपस में कैसा रहेगा। देखिए ये बहुत होती है कंपैटिबिलिटी के लिए, या अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो हमारे जॉब के लिए कैसा रहेगा, फिर स्टार के हिसाब से कैसा रहेगा। तो ये तमाम काम जो है ना पर्सनलाइज्ड उस पे होते हैं, ये जनरल उस पे नहीं होते। चलिए ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको फौरी मिले। सबसे पहले आप लोग देख लें वीडियो, और अप्रैल का महीना अल्लाह ताला सारे ज़ोडियक साइन अल्लाह ने बनाए हुए हैं, अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, और रमज़ान का महीना है तो, और आप लोग दुआओं में याद रखें, और आई थिंक रमज़ान के बाद भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि अप्रैल में चल रही है, तब भी आप लोग हमें दुआओं में याद रखें, हमारी टीम को याद रखें, सबको याद रखें दुआओं में, ख़ास तौर पे मैडम लाला रुख और फलक शेख का नाम लेके दुआ करें। और इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो भी टॉपिक्स आएंगे मैं आपको अवेयर करने पहले से पहुँच जाऊँगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए आपने करना क्या है, थोड़ा सा एक साइन बन जाता है, बाकी हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, करना मेरे अल्लाह ने है, ये हमारा मैं कह ही नहीं रहा, मेरा ईमान भी है इस बात पे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।